ये पॉलिटिकल बैकड्रॉप है इसका, ये फिल्म पॉलिटिकल नहीं, बहुत ही ब्रिलियंट है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं है कि हम उसको पास्ट टेंस में बात करें। सही मायने में प्रतिभावान है, उसको रिकग्नाइज करना न सिर्फ इंडस्ट्री का, इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। अनुराग कश्यप का फोन आया और उसने जो है गैंग्स ऑफ वासेपुर का आइडिया दिया मुझे। मुझे लगता है कि मुझे मिले ये सब रोल करने के लिए, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता। तो एबीपी न्यूज पर हमारे साथ हैं भोसले फिल्म के स्टार और प्रोड्यूसर मनोज बाजपेयी हैं हमारे साथ, संदीप कपूर हैं हमारे साथ। वेलकम टू एबीपी न्यूज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जबरदस्त प्रोमो लॉन्च किया है आप लोगों ने, और मनोज भाई बहुत जबरदस्त लग रहे हैं आप, बिल्कुल नया गेटअप है ये मराठी मानुष वाला। तो सबसे पहले तो छोटा सा, क्योंकि वो समझ में तो आ गया है, बड़ी लेयर्ड फिल्म लग रही है, लेकिन छोटा सा रोल के बारे में जरूर बता दीजिए आप पहले शुरू। भोसले का किरदार है जो एक पुलिस वाला जो अभी अभी रिटायर होने जा रहा है, और कैसे वो आप रिटायरमेंट की बात की जिंदगी से डर रहा है। एक ऐसा आदमी जो अकेलेपन का शिकार है, जो एक ऐसा आदमी जो बाहर के लोगों से मिलना भी नहीं चाहता, उसका मन ही नहीं, वो हमेशा अकेले रहता है, लोगों से कट के रहता है, उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ रही है। और उस इस पूरे अपने स्वभाव से उसको अगर कोई बचाता था तो उसकी ड्यूटी थी, उसको बिजी रखने की। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, उसका रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी एक बिना मकसद के, एक अकेलेपन की, लोगों से दूर रहने की, जैसे कि लॉकडाउन में हमारी स्थिति है, वैसा समझिए कि गणपत भोसले अकेले इस लॉकडाउन में वो वाला कैरेक्टर है। और कैसे एक लड़की जो कि बाहर की है, उसके कारण उसको एक मकसद मिलता है इस आगे के जीवन को जीने का, कैसे वो लड़की मकसद देती है, कैसे वो लड़की इसका हाथ पकड़ के उसको आगे लेके चलती है, और कहानी इसकी है। और किरदार तो आपको मैंने आधे में बता ही दिया है जी, बाकी तो जब आप देखेंगे तब आप बेसब्री से इंतजार है मनोज भाई। और ये संदीप, ये जुगाड़ भी आप पहले बना चुके हैं मनोज के साथ, ये जो खास तरह का रोल था, बिल्कुल ये मराठी रोल था, इसके लिए भी आप मनोज के पास गए, आपने क्या क्या आपके जहन में था उस वक्त मनोज की जो इमेज है उसके हिसाब से? एक्चुअली इस केस में ना उल्टा हुआ, मतलब ये फिल्म मनोज और देवाशीष ने शुरू कर दी थी, मतलब मनोज इसके को प्रोड्यूसर भी अभय आनंद के प्रोड्यूसर है, सो दे आर बेसिकली टू प्रोड्यूसर, अभय आनंद एंड संदीप एंड सौरभ, मतलब उनकी तीन लोग हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे हैव अ कंपनी and Manoj is co-produced it. And Manoj, they started the film and 10-11 din ki shooting ke baad they had some issues in terms of paise. So Manoj ka mera phone aaya ki this is aise story hai aur is stage pe hai, we are in need of funds. So I said okay, give me a day. So maine story suni, mujhe pata laga aur Manoj agar film kar rahe hain to Manoj ek aise insaan hai, industry mein agar 30-40 script padte to ek okay karte hain. So, उसके बाद मनोज ने जब बोल दिया, उसके बाद नो क्वेश्चंस आस्क्ड, मनोज ने ओके करी, मैंने कहा सो क्या आई एम पार्ट ऑफ द गेम, मतलब देन आई उसके बाद मैं प्रोड्यूसर आया इसके। तो मनोज, ये जो 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 इसका टॉपिक है वो जो मराठी वर्सेस नॉर्थ इंडियंस, ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, हर चुनाव में ये उभर के आता है और ये मराठी वर्सेस नॉर्थ इंडियन चलता है, तो ये पॉलिटिकल फिल्म भी है? ये पॉलिटिकल बैकड्रॉप है, ये फिल्म पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है, जो सिटी में घटित हो रहा है, वो उस जीवन के साथ कैसे क्लैश करता है जो गणपत भोसले का जीवन है, जो सारी चीजों से कटा हुआ है, सब लोगों से कटा हुआ है, चौल में रहते हुए भी चौल के लोगों से कटा हुआ है, वहां की गतिविधियों से कटा हुआ है, वो दोनों कैसे, दोनों ये दोनों डेवलपमेंट, दोनों जीवन कैसे, दोनों पहलू कैसे आपस में टकराते हैं, ये एक बहुत देखने वाली बात है इसमें। और मैसेज भी है कि मतलब ये जो रीजनलिज्म है ये कुछ नहीं है, इंसानियत ज्यादा बड़ी चीज है, इंसानियत बड़ी चीज है, इंसानियत के बाद ही देश आता है, इंसान से बड़ी कोई चीज नहीं, हमारे अध्यात्म में ये कहा जाता है कि भाई शरीर तो है लेकिन जो इंसान है, जो आत्मा है, वो बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये जो गणपत भोसले है, ये 26 तारीख को सोनी लिस्ट पर आ रहे हैं, और ये क्या लगता है मनोज भाई कि ये अगर थिएटर पे आती तो ज्यादा बेटर होता, या ये जो OTT का सारा पूरा मामला है जिसपे आप छाए हुए हैं, आपका लगातार कुछ ना कुछ आ रहा है,
ये डेमोक्रेटिक ज्यादा हो गया है एक्टर्स के लिए और लोगों के लिए भी, अब जरूरत नहीं है हमें ओपनिंग की, जो अच्छी चीज होगी वही चलेगी। देखिए छोटी फिल्मों का अभी तक तो ऐसा रहा है कि थिएटर में कुछ होता नहीं, हम लोग रिलीज भी करने वाले थे, ये लोग करने भी वाले थे लेकिन मेरा अपना मानना है थिएटर में क्या होगा, थिएटर में हम एक तो हमारे पास में इतने फंड नहीं है कि हम इतने थिएटर में रिलीज करें, और इस तरह के हम लोग नहीं है कि हमें एग्जीबिटर या इस तरह की फिल्म नहीं है कि एग्जीबिटर जो है बहुत सारे शोज थे, एग्जीबिटर जो है आपको गिन चुन के वही दो शो देगा, थिएटर में 9 बजे का शो रहेगा, कोई नहीं जाएगा अपनी मर्जी, तो उल्टा हमारा नुकसान हो जाता है क्योंकि बॉक्स ऑफिस वाले कहना शुरू कर देते हैं कि फिल्म पिट गई। ये पिट गई इसीलिए अच्छी फिल्म थी, क्योंकि यहाँ पे कितने करोड़ कमाए ये डिसाइड करता है कि अच्छी फिल्म है कि नहीं, और वो पता नहीं कब खत्म होगा वो मामला कि अच्छा ओपनिंग कितने की मिली उससे डिसाइड होगा कि कंटेंट अच्छा है या बुरा है। ये दर्शक जो देख रहे हैं वो यही खत्म करेंगे, इन्हीं के हाथ में है ये जब जाना बंद कर देंगे, जब ये अच्छी फिल्मों को ये सराहेंगे एनकरेज करेंगे तभी चीजें बदलेंगे, अदरवाइज चीजों को बदलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसने फिल्म बनाई है उसको पैसे मिलते हैं तो वो आगे फिल्म बनाता है। हमें लगता है बदलाव की शुरुआत तो हो ही गई है मनोज भाई, ये कोरोना ने इसमें मदद जरूर की है लेकिन बदलाव ये काफी दिन से आने वाला ही था। सुशांत वाला हादसा हुआ, आपने भी उस पर बोला, लोग रोज बोल रहे हैं और उसके बहाने अपने दूसरे एजेंडा साध रहे हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दैट। व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज, आप भी बाहर से आए थे, एक जगह बनाई, मकाम बनाया, लेकिन अब ये सब जो कॉलिंग आउट हो रहा है या जो सब हिल गए हैं इससे, क्या कोई सोल्यूशन है कि जो उनके साथ हुआ वो आगे ना हो, क्या कोई तरीका है, क्योंकि जो हो रहा है वो तो तरीका नहीं है। देखिए पहली बात तो ये कि हम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है जी क्या हुआ, हम सब कयास लगा रहे हैं जी हम लोग गेस कर रहे हैं जी। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा, लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन सारे सवाल जवाब में, सारे चीख पुकार में आप उसका नाम हटा दें जी, बिल्कुल ठीक इज्जत इतनी डिग्निटी उनको देनी चाहिए, एक जीवन को देनी चाहिए जी, उससे अलहदा करके मैं बात करूंगा जी कि सवाल जो आ रहे हैं उसका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा जी, और जो जवाब हमारे पास है, हम सारे इंडस्ट्री के मेंबर्स के पास है। कैसे आप पूछेंगे कि कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, मैं कहूंगा कि नहीं, करना बहुत ही आसान है। सबसे आसान है जो आदमी पावरफुल होता है वो अपने पावर का इस्तेमाल अगर लोगों को आगे बढ़ाने, टैलेंट की कदर करने, आगे बढ़ाने, सपोर्ट करने में लगाता है, उसके पास से पैसा भी नहीं जाता, उसको अपनी फिल्म में लेने की जरूरत भी नहीं, लेकिन जिस टैलेंट को आप इनकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उसकी संघर्ष की यात्रा को कम करेंगे, उसी से बहुत कुछ बदल जाएगा। टैलेंट रिस्पेक्ट, मैं सीधी बात बताऊं, मेरे वर्कशॉप में बहुत बार मैं वर्कशॉप लेता हूं, अगर मैं कोई बहुत ही टैलेंटेड लड़का या लड़की देखता हूं तो मैं अपने जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर से उनको फोन करता हूं और बोलता हूं कि ये लड़के लड़की हैं, इनका ऑडिशन लो किसी के लिए। वो कास्टिंग डायरेक्टर्स, चूंकि मनोज वाजपेयी इनको फोन कर रहे इज्जत के कारण, वो उनको बुलाते, ऑडिशन करते, उनका नाम लिखते, नंबर लिखते, इतना ही होता है। ये बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है एक न्यूकमर के लिए, टैलेंटेड के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो टैलेंटेड नहीं है, जो कोई मुगालते में वहां पहुंच गया है, आप उसके लिए कुछ, लेकिन सही मायने में प्रतिभावान है उसको आगे बढ़ाना, उसको रिकग्नाइज करना, न सिर्फ इंडस्ट्री का, इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग मॉरलिस्टिक बात भी कही आपने और आप खुद भी करते हैं मनोज, बहुत कमाल की चीज है, लेकिन बात फिर वही आ गई कि इतना ये सब इसके बहाने, एक उनका नाम ले लेके जो चले गए हैं, लोग एक दूसरे पे इल्जाम कर रहे हैं, छीटाकशी कर रहे हैं, लेकिन एक इशू जो है वो हमारी समझ में आ रहा है कि जो नया टैलेंट है उसकी कदर नहीं है, उसको कदर नहीं की जाती, और एक कहीं ना कहीं एक रीजन तो ये रहा जो सुशांत ने ऐसा कदम उठाया, चाहे मेन रीजन ये ना रहा हो, तो लगता है आपको कि कुछ भी सुधार आएगा इस पूरे शोर का, जो शोर मच रहा है दुनिया भर में? देखिए मैं आपको या सिर्फ मैं एक्चुअली बताऊं कि अगर हमने अपने आप को इस इंडस्ट्री को
अगर हमने रेक्टिफाई नहीं किया, अपने व्यवहार को रेक्टिफाई नहीं किया, तो हमें आगे तैयार रहना पड़ेगा आगे और भी भयावह सवाल का जवाब देने के लिए। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस पूरे सिस्टम को रेक्टिफाई करें, अपना व्यवहार दूसरों की तरफ दोस्ताना और उत्साह देने वाला रखें। और कहीं ना कहीं ये ऐसा संदेश डायरेक्ट तो नहीं लेकिन घोसले में भी आ ही रहा है कि कोई अलग है नहीं, जो भी आ रहा है उस शहर में वो कोई किसी भी जगह से आ रहा हो लेकिन वो वहीं का निवासी है, कोई इनसाइडर आउटसाइडर नहीं है। एक बहुत अच्छा सीन है जब एक आंदोलनकारी जो है घोसले से पूछता है कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, ये बाहर वाले आके हमारा ले रहे हैं। भोसले काका उसको नाली दिखाते हैं और कहते हैं कि यहाँ बहुत मच्छर हो गए हैं, साफ नहीं हो रहा है बहुत दिन से, कह के वो चले जाते हैं। मतलब ये है कि जो बाकी अहम चीजें हैं उनको सीधा किया जाए, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये गहरी बात है और 26 तारीख को बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा मनोज। और आज सुबह भी बल्कि जब मैं पढ़ रहा था एक अखबार तो उसमें पूरी चर्चा थी आपकी पुरानी फिल्म की गैंग्स ऑफ वासेपुर के 8 साल हुए, तो चूंकि बात तो हम भोसले की कर रहे हैं लेकिन वो भी एक अहम फिल्म रही है आपके करियर की, मतलब एक तरह से यू नो बैक इन द रेकनिंग लाने वाली फिल्म थी, तो कैसे याद करते हैं उसको गैंग्स ऑफ वासेपुर को? कि मुझे याद है कि राजनीति खत्म की थी और राजनीति से जो मेरा एक बहुत ही लल पीरियड था वीरेंद्र प्रताप सिंह के कैरेक्टर के कारण करारा जवाब मिलेगा। तो वो उस फिल्म ने वापस से मुझे रेकनिंग में लेके आई थी वो फिल्म, और मैं फिर आरक्षण भी प्रकाश जी ने कहा कि करेंगे, और उस समय मैं बहुत सारे स्क्रिप्टें पढ़ रहा था और उसी समय मुझे स्पेशल 26 भी मिली। तो चीजें लगातार हो रही थी, उसी में अनुराग कश्यप का फोन आया और उसने जो है गैंग्स ऑफ वासेपुर का आइडिया दिया मुझे और पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाया। मुझे लगा कि ये फिल्म कुछ अनोखी है, मैं सच में कहूँ कि एग्जैक्टली वो समझ में नहीं आया मुझे कि कहाँ तक जाएगी, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया अनुराग के दिमाग को जानते हुए, क्योंकि उसको मैं 22 साल की उम्र से जानता हूँ, 21-22 साल, तो उसके दिमाग को जानते हुए मुझे लगा कि ये कुछ अच्छा नया करना चाह रहा है इसके साथ में। फिर हम दोनों ने बातचीत करनी शुरू की, तब मैंने उसको समझना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे लगा कि ये पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी बनाए गए ये फिल्म अननोटिस तो नहीं जाएगी, मुझे इतना पता था। और उसने जब मुझे फर्स्ट फाइनल कट जब पार्ट 1 का दिखाया था तो मैं हैरान रह गया, कुछ देर के लिए मैं समझ ही नहीं पाया कि ये क्या बना दिया अनुराग ने, ये कुछ ऐसी फिल्म बना दी है कि पहली बार में तो लोग बचक्के रह जाएंगे कि कौन सी दुनिया देख रहे हैं, कौन सी दुनिया है ये कौन से लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि ये लोग इन लोगों को आप जानते हो लेकिन कभी मिले नहीं, ऐसी भी फीलिंग होती है उस फिल्म को देखते हुए। आई थिंक लोग सही कहते हैं, मतलब सत्या हो या राजनीति हो या गैंगस्टर हो या फिर अलीगढ़ हो, इस तरह की फिल्में का पार्ट होने में मुझे लगता है कि मुझे मिले ये सब रोल करने के लिए, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। ये तो आपने अपनी ह्यूमिलिटी कही लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि इन सब चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, वो मनोज वाजपेयी है जिनकी वजह से ये सारे रोल्स बहुत खास हो गए। और मैं अभी रिसेंटली देख रहा था आपकी फिल्म, थिएटर में तो देखी थी मैंने सोन चिड़िया, और अब जो दोबारा देखी तो उसमें अलग लेयर्स नज़र आए आपके उस छोटे से शो में, कि ये छोटे से रोल में जहाँ पर क्योंकि स्क्रीन टाइम कम था लेकिन वो जो बातें कहता है वो लगता ही नहीं कि ये डाकू है या बागी है, ये तो बड़ा संत टाइप की बातें कह गए आप उसमें। जी देखिए वो डाकू मान सिंह, हाँ, जहाँ फिल्म शुरू होती है ऑलरेडी हाँ, एक मुक्ति की तलाश कर रहा है, हाँ, हाँ, वो क्षमा याचना कर रहा है, हाँ, वो पश्चाताप कर रहा है, हाँ,
जब फिल्म शुरू होती है और ऐसी कहानी जहां पे एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस से डाकू जूझ रहे हैं, उनका सरदार जूझ रहा है, तो उस वो जब एक्सिस्टेंशियलिज्म की बात आती है ना, उसमें एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, जहां पर आपको अपनी पिछले सारी हरकतें, पिछला सारा जीवन व्यर्थ लगना शुरू हो जाता है, वो उस चीज को तलाश करना, उस स्तर पे जाकर के कैरेक्टर को डील करना, वो अपने आप में बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। मैं आई थैंक गॉड दैट यू नो गुड सेंस प्रिवेल्ड एंड आई हैव डन दैट फिल्म। आई थैंक गॉड दैट आई गॉट अभिषेक बच्चन टू डायरेक्ट दैट फिल्म। आई रियली थैंक गॉड फॉर अभिषेक चौबे, मुझे लगता है उतना ड्यू नहीं मिला, अब मिल रहा है जब OTT पे आ गई है। कैसे अकेली फिल्म थी शायद आपकी सुशांत के साथ, कैसे याद करेंगे उनको? बहुत ही ब्रिलियंट है, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं है कि हम उसको पास्ट टेंस में बात करते हैं। 34 साल का लड़का, मुझे नहीं लगता कि किसी 34 साल में किसी एक्टर ने इतना सारा इस इंडस्ट्री में योगदान दिया हो, अपने अभिनय, अपने जज्बे, अपने दिमाग, अपनी इंटेलिजेंस, अपने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के इंटरेस्ट से, मतलब इतना ब्रिलियंट लड़का, इतना संस्कारी लड़का, अपने आप में रहने वाला, इस पूरी मायावी दुनिया में राज करना चाहता था लेकिन उससे भागता भी था, दोनों ही चीजें थी उसके अंदर। किताबों में उलझा रहने वाला, फिलॉसफी पढ़ने वाला, क्वांटम फिजिक्स पढ़ने वाला, टेलीस्कोप से तारों को देखने का शौक रखने वाला, ऐसा लड़का नहीं मिलता, ऐसा नहीं लड़का मिलता। इतने पैशन से आप बात कर रहे हैं, दिख ही रहा है मनोज। तो 26 तारीख वापस भोसले पे आते हैं हम, संदीप भोसले 26 तारीख को आ जाएगी। वो ट्रेलर में जो खामोशियां हैं उनकी गूंज बड़ी जबरदस्त है मनोज भाई, एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर भोसले। मतलब ले देकर के 19-20 शब्द बोले हैं मैंने इसमें। हाँ, पहले जो है जब पहली बार स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी तो बहुत सारे डायलॉग थे, फिर जब दूसरा ड्राफ्ट बनाया देवाशीष ने तो उसमें वो डायलॉग का आधा हो गया, और जब हम फिल्म करने गए जब फाइनल ड्राफ्ट आया तो मेरे पास 18 शब्द बचे थे। अच्छा, तो मुझे नहीं लगा कि जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि बोल नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग साइलेंसेस हैं और ये ट्रेलर में दिख रहा है, ये बहुत, तो जाहिर है मतलब ये बिना शब्दों के भी जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत बेसब्री से इंतजार है मनोज, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और 26 तारीख को हम सब बैठ के देखेंगे भोसले, आप सब भी देखिएगा, मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूँ, बहुत कमाल की फिल्म होने वाली। थैंक यू मनोज, थैंक यू संदीप, थैंक यू। ABP News आपको रखे आगे।